दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं गणेश मालवीय आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खतरनाक कंडीशन में हमने बनाया है। वीडियो की जानकारी देने से पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि जो दोस्तों इस वीडियो के अंदर 70 फीट गहरा कुआं है, इसके अंदर एक सांप है। इस सांप को निकालने का रेस्क्यू समर्पण ने और हम दोनों ने मिलकर किया है। देख सकते हैं कुआं है, 70 फीट गहरा है, कम से कम 40 फीट की गहराई इसकी दिख रही है, 30 फीट पानी भरा हुआ है। बड़ी भयानक कंडीशन में इसका निरीक्षण करते हुए हमने उसको देखा। सांप हमें ऊपर से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन किसान का कहना है कि कुएं के अंदर ही सांप है, उन्होंने देखा है। और पूरी तैयारी के साथ आप देख सकते हैं ये पूरा कुएं का नज़ारा आप देख सकते हैं। कुएं के अंदर जाने के लिए रस्सियां जो अवेलेबल करी थी उसे हम चेक करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, कहीं ना कहीं उसकी गिठान ढीली ना हो। उसके बाद पूरा रस्सी का निरीक्षण किया, देखा कहीं से कटी फटी ना हो। देख सकते हैं कितना गहरा कुआ है। इस कुएं का अंदर का पानी के नीचे कुछ मलबा पड़ा है, उसे निकालने का काम जारी है, परंतु सांप के कारण काम रुक चुका था। उसे हमने बड़ी ही सूझबूझ के साथ उस सांप को निकाला है। आप देख सकते हैं, पहले तो हम इस कुएं के तह में पहुंचेंगे, आखिर सांप है नहीं है, कौन सा सांप है। बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हमारी रोज़ की आदत तो नहीं है कुएं में उतरना, किसानों की रोज़ की आदत होती है, वो फटाफट उतर जाते हैं। कुएं की दीवार पर सरिये के माध्यम से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। हर सीढ़ी कम से कम 4 से 5 फीट डिफरेंस में है रस्सी के सहारे। यह एक आप कह सकते हैं कि स्टंट है, लेकिन आप ना दोहराएं, किसी भी कीमत पर इसे करने का प्रयास न करें, क्योंकि यह करते करते मुझे काफ़ी समय हो चुका है और हर चीज़ का एक निर्धारित मापदंड होता है। देख के या देखने के बाद भक्ति करना गलत है, प्रयास न करें। इसे बड़ी ही हमने विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए इस रेस्क्यू को किया है। अंदर उतरने के बाद भी काफ़ी 30 फीट पानी भरा हुआ है, अंदर का वातावरण काफ़ी अच्छा था। वैसे आप लोगों को भयानक दिखा, लेकिन मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। यहाँ पर तसल्ली से पूरे कुएं का निरीक्षण किया, देखा कहाँ कहाँ सांप हो सकता है। चारों तरफ निरीक्षण करने के बाद किसान ने बताया कि यहीं कहीं आसपास देखा गया है। बड़ी ही तसल्ली और शांति के साथ सांप का निरीक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण के दौरान सांप कहीं भी हो सकता है, हमारे पास भी हो सकता है, हमारे नीचे भी हो सकता है, हमसे दूर भी हो सकता है। किसान द्वारा बताया गया कि इस मलबे के नीचे कहीं देखा था, जो बार बार यहाँ आ कर के बैठ जाता है, तो उसका निरीक्षण किया, सफाई की गई। देख सकते हैं लगातार कुएं के अंदर का दृश्य है, ये बड़ा ही खतरनाक और भयानक दृश्य है। यहाँ पर तिरपाल बिछी हुई है, इसके नीचे हमें वो सांप नज़र आया और उसे हमने रेस्क्यू बड़ी सफलता के साथ कर लिया है। बड़ा ही खूबसूरत सांप है, तकरीबन 6 से 7 फीट लंबा सांप। आप देख सकते हैं भागने के लिए कैसा फड़फड़ा रहा है। दोस्तों यह रेड स्नेक सांप है, धामोन जिसे कहा जाता है। यह सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, इसके काटने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। हमने रेस्क्यू कर लिया है,
बड़े ही इत्मीनान के साथ हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। कैमरामैन आज समर्पण है, कैमरे की मतलब उसकी पूरी रिकॉर्डिंग समर्पण द्वारा की जा रही है। ये देख सकते हैं सांप भागने के लिए कितना फड़फड़ा रहा है, पानी के अंदर इनकी चाल और बढ़ जाती है। अब हम इसे यहाँ से ऊपर भेजेंगे, हमारा जो बैग है उस बैग के माध्यम से इसके अंदर भरने के बाद इसे बाहर निकालेंगे और फिर हम इसे जंगल में छोड़ देंगे। दोस्तों जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है, हमें बड़ी खुशी मिलती है, परंतु मैं इस प्रकार के कार्य के लिए कभी भी किसी को नहीं कहूँगा। आप देख सकते हैं सांप हाथ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मेरे भी खड़े रहने की जगह काफ़ी कम है, 30 से 40 फीट पानी भरा हुआ है। इस काले बैग में हम इस सांप को डाल देंगे, चेन वाला बैग है, हमारे कैमरे का कवर है, कोई साधन नहीं मिला तो हमने इसे इसी में डालना उचित समझा। इसे भरने के बाद ऊपर भेज देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा यह रेस्क्यू सफल रहा। अब हम इसे जंगल में रिलीज़ करेंगे जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी जिएगा। किसान भी भयमुक्त हो चुके हैं, उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि आज हमारा कुआ जो है सर्प से मुक्त हुआ, मेरा मिशन कंप्लीट हुआ है। बड़ी खुशी के साथ अब मैं ऊपर आता हूँ। ऐसे रेस्क्यू में सबसे ज़्यादा तकलीफ चढ़ने उतरने की होती है दोस्तों। यहाँ तो और भी सरिये की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं जो हमें सपोर्ट करती है, परंतु कहीं कहीं तो ऐसी कंडीशन होती है कि रस्सी के सहारे उतरना पड़ता है, जो कि काफ़ी भयानक रहता है। उसमें हाथ पैर चिल्लाने के, गिरने के बहुत सारी कंडीशन बनती है। आप देख सकते हैं यह एक तरीका होता है जो किसान बड़ी आसानी से कर लेते हैं, यह हमारे लिए थोड़ा तकलीफ देह है, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी दुआओं के सहारे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमने इस रेस्क्यू को बहुत अच्छे से किया, क्योंकि इसमें दो तरफ संकट है। पहला तो सांप से भी संकट रहता है, ये तो अच्छा हुआ कि बिना पॉइजन वाला सांप है। अगर इस जगह कोबरा होता है तो कहते हैं एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, तो यहाँ कुआ तो है ही सरी और खाई सांप है, तो कहीं ना कहीं संकट हमेशा बना रहता है। फिर भी हमारा जो जीवों के प्रति प्रेम है, लगन है, जुनून है, वो हमेशा बरकरार रहेगा। इसी प्रकार हम आपका मनोरंजन और आपकी जीव दया के साथ ही रहेंगे। हमारा रेस्क्यू कंप्लीट, बहुत बहुत धन्यवाद, जय महाकाल। चढ़ना उतरना पड़ा देगा।